सुपरस्टार रजनीकांत ने हॉलीवुड की फिल्मों को अपनी रिलीज डेट बदलने पर मजबूर कर दिया है। आइस एज सीरीज की 5वीं एनिमेशन फिल्म वर्ल्ड वाइड जुलाई में रिलीज हो रही है। उधर जोई सल्दाना की स्टार ट्रैक बियॉन्ड भी इसी तारीख पर आ रही है। चूँकि इंडिया में इस साल इंग्लिश फिल्मों का वॉल्यूम काफी बढ़ गया है, इसीलिए हॉलीवुड की 2 फिल्मों को क्लैश न करते हुए आइस एज को पहले रिलीज करने का फैसला लिया गया है। इसकी इंडिया में रिलीज 15 जुलाई फिक्स कर ली गई थी और सिनेमाघरों की बुकिंग करने की कवायद भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन रजनीकांत की फिल्म की फाइनल रिलीज डेट आते ही सोमवार को पूरे सिनेमा ट्रेडर्स में हलचल शुरू हो गई। रजनी ने हॉलीवुड की इस बड़ी फ्रेंचाइजी को फिर से रिलीज डेट 22 जुलाई करने को मजबूर कर दिया। जानकार बताते हैं, इंग्लिश फिल्म्स इंडिया में बड़ा कारोबार तो कर रही हैं, लेकिन इस कारोबार का 50% हिस्सा दक्षिण के तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला और आंध्र प्रदेश से आता है और यही वजह है कि रजनीकांत की बात को कोई टाल नहीं सकता। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।